Good morning, one and all present over here. Myself, Tashinsha, and I am representing as narrator from the team Red House. आज हम सबका ये last competition है, the drama competition. हम यहाँ जीतने के इरादे से नहीं आए हैं, not at all. हम यहाँ आए हैं अपने दोस्तों के साथ participate करने के इरादे से. आज तक हम बस उनसे लड़ते आए हैं, झगड़ते आए हैं house के नाम पे. Red House का हूँ मैं Green House का हूँ. तू मेरे हाउस का नहीं, तू हमारे साथ नहीं रह सकता, दिस एंड दैट. बट आज हम सब एक होकर एक ड्रामा करेंगे. हमारे ड्रामा का टॉपिक है स्कूल लाइफ, जिससे हम सब गुजर चुके हैं, है ना? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द कैरेक्टर्स ऑफ आवर स्किट. दृष्टि एज नेहा, यंग नेहा. तनिष्का एज यंग मानसी. पलक तिवारी एज यंग रोहित. मीनाक्षी एज यंग री. श्रेया एज यंग राहुल. रानी एज सोनिका मिस. नंदनी एज सरस्वती मिस. तनु एज पैरेंट. प्रिया एज अदिति. पलक शर्मा एज मानसी. वैष्णवी एज नेहा. ऋतु एज रीमा मिस. अक्षय एज जय. दियान एज शिवम. साहिल एज रोहित. अमर एज राहुल. एंड प्रिंस एज केयूर सर. एंड मी मायसेल्फ एज रीड एंड नरेटर. सो लेट अस बिगिन द शो विद द स्टैंडर्ड लेसन. कैसे हम पहले दिन रोते रोते आते हैं, क्योंकि हमें अपने माँ बाप से दूर नहीं होना है. तो लेट द शो बिगिन. बट बिफोर दैट Let me give you the disclaimer. शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है. अगर किसी वस्तु या व्यक्ति से घटना से या किसी भी चीज से संबंध निकलता है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो सच है. शो में दर्शित किए गए नाम, यदि आपका नाम आता है तो उछलिए नहीं अपनी जगह पे खुशी के मारे, अपने स्थान पर बैठे रहिए, वरना दूसरों को शो देखने में दिक्कत हो ही सकती है और आप भी परेशान हो जाओगे. इस शो को बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ आपके होठों पर मुस्कुराहट लाना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है. तो चलिए शो को शुरू करते हैं. सीन वन, नर्सरी. और फिर आता है स्टैंडर्ड 9, द बेस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल
करते मजे करते शरारतें करते एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिंदगी भर हमारे साथ याद रहे ऐसी यादें बनाते अपने दोस्तों के साथ। तो हम अब आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं जहां हम बहुत मस्ती करते हैं। स्टैंडर्ड 9 प्लीज वेलकम। तो प्रूफ
अरे ऐसे नहीं। अरे मिस हैंस प्रो बैल कहेगा कुछ दुसल भाग इधर से। बहुत जोर से मारा। पेपर लिखने से पहले सरस्वती माता के प्रणाम कर लेना। सरस्वती माता का बोला था प्रणाम करके आने के लिए, सुबह करके आना चाहिए था। सॉरी। बैठ जाओ अपना पेपर लिखो। क्या कर रहे तुम? पेपर दिखा रहे? तुमको दिखा रहे? स्टैंड अप यू, स्टैंड अप। एक्सक्यूज मी सर। हां बोलो ना, क्या हुआ सर? ये तीनों पेपर कॉपी कर लेते एग्जाम में।
कौन ये तीनों? ये क्या छुपा है? रोहित, मेरा तुमसे इतना भरोसा था कि तुम टेंथ में अच्छा मार्क्स दिखाओगे, लेकिन तुम इसका कॉपी कर रहे हो। नहीं सर, मैंने कॉपी नहीं किया। तो क्या मिस झूठ बोल रही है? परसों सरस्वती मिस ने भी तुम्हारा कंप्लेंट दिया कि तुम कॉपी कर रहे थे। लेकिन मुझसे नहीं हो रही है। तुमको दो महीने से बोला ना पॉकेट लगा के आओ। सॉरी सर। बोला कि नहीं तुमको दो महीने से? अभी तक तुम्हारा पॉकेट नहीं आया। मिस आपने इसको एंट्री कैसे दिया? ये एग्जाम हॉल में आके बैठा कैसे बिना पॉकेट के? और इसके बाल में इतना बड़ा है, इसके बाल में तेल भी नहीं है, कैसे ये लोग आ जाते हैं? अभी ध्यान रखना और भरोसा मेरा तोड़ मत। बैठ। और बेटा बहुत ज्यादा मस्ती हो रहा तुम्हारा, जिस दिन हाथ ना होगा उस दिन छूटोगे नहीं। रिमा मिस, इसके पेरेंट्स को बोला मुझे इनसे बात करना है। हाँ हाँ, मैं फ्री कर देता हूँ। हॉल टिकट लेने आएगा ना? बाल नहीं है तो। आना। Good morning, one and all present over here. We, the students of Standard 9, gratitudely welcome you all to the farewell party of our seniors. Hope you will enjoy a lot. होंगी जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी बेचैन है और सांसें थमाई है। हम आपको विदाई दे तो देंगे, मगर दिल भी घबराए और आंखें भर आई। वाह वाह वाह। अंग्रेजी बनकर बकबक करना, सब बाउंसर जा रहे हैं। तेरी जगह मेरा दोस्त आके मुझे एंटरटेन करेगा। अच्छा, वो ऐसा क्या कर लेगा? डांस करेगा। गुड मॉर्निंग, मैं नेहा जायसवाल, आज मैं अपने फेयरवेल में
अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहती। इस स्कूल ने मुझे नर्सरी से लेकर 10th तक बहुत सपोर्ट किया। इस स्कूल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। अपने स्कूल को छोड़ जाने का मन तो नहीं है, मगर इतना ही कहूँगी कि अरे दीदी 10th के बाद सबको स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। अरे छोड़ जा दो, ये कंटिन्यू कर दे। म्यूजिक बहुत याद करेंगे। थैंक यू।